मूवी की शुरुआत में हम रुद्रन को देखते हैं जो कि चेन्नई में अपने पेरेंट्स पिता देवराज और मॉम इंदिरा के साथ हैप्पीली रह रहा होता है। रुद्रा वहां पर एक आईटी पोजीशन पर काम कर रहा होता है, वहीं उसके पिता एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी में काम कर रहा होता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि रुद्रन को एक अनन्या नाम की लड़की से प्यार हो जाता है जो कि एक लैब टेक्नीशियन होती है। रुद्रा अनन्या से प्यार का इजहार करके उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। वहीं अनन्या भी उसे प्यार कर रही थी और वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और वो शादी के लिए मान जाती है। और हम देखते हैं कि अनन्या और रुद्रन शादी के बंधन में बन जाते हैं और कुछ ही महीनों में उन्हें एक प्यारी सी बेटी होती है जिनका नाम वो लोग इनाया रखते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रुद्रन अपने फैमिली के साथ खुशी से रह रहा होता है, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकता क्योंकि रुद्रा के पिता अपने पार्टनर के कहने पर कुछ पैसे उधार लेता है, लेकिन देवराज के पार्टनर वो पैसा लेकर फरार हो जाता है। अब वो पैसे कैसे चुकाऊं इन बातों से वो परेशान रहने लगता है और कुछ दिन के बाद उसका मौत हो जाता है। अब उसके पिता के गुजरने के बाद रुद्रन दुखी रहने लगता है और उसके पिता को लोन कैसे चुकाऊं ये सब वो सोच रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो अपने पिता के लोन चुकाने के लिए लंदन काम करने के लिए चले जाता है, लेकिन कुछ ही महीने के बाद रुद्रन को उसकी मॉम की मौत के बारे में पता चलता है और तो और अनन्या भी लापता है ये भी उसे पता चलता है। रुद्रन फौरन चेन्नई वापस आ जाता है। वापस आकर रुद्रन अपने मॉम के बारे में और अनन्या के बारे में फाइंड आउट करने लगता है। उसी बीच वो वारदा नाम के शख्स को देखता है और उस पर वो डाउट करने लगता है क्योंकि वारदा उसके अपने मॉम के अंतिम संस्कार के दिन उसे बार बार देख रहा था। वो उसे पकड़कर उसे पूछताछ करने लगता है, जहां पर उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक गैंग्स लीडर लगा हुआ है। रुद्रन को मालूम चलता है कि भूमिनाथन जो कि एक गैंगस्टर है वो उसका दोस्त है और वो लोग मिलकर एक सिंडिकेट नेटवर्क चला रहा है। दरअसल वो लोग विदेशों में काम कर रहे लोगों की उसके पैसों और उसके प्रॉपर्टी पे पहले से नजर रख रहा होता है और बाद में उससे जबरदस्ती हड़प लेता है। यहाँ पर रुद्रन को ये मालूम चलता है कि उसकी मॉम और अनन्या को इन लोगों ने मार दिया है। दरअसल इन लोगों को लगा था कि अनन्या और इंदिरा के पास बहुत सारे पैसे होंगे क्योंकि रुद्रन लंदन में काम कर रहा था। एक दिन मौका देखकर ये लोग इंदिरन से जबरदस्ती घर में घुसकर पैसे मांग रहा होता है। उसी बीच अनन्या घर आ जाती है और अपने सासू माँ को हालत को देखकर वो उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन भूमि और बरादा मिलकर उन्हें मार दिया होता है। अब ये सब जानकर रुद्रन भूमि और उसके गैंग से बदला लेने चाहता है, लेकिन भूमि बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, लेकिन कैसे भी करके रुद्रन अपने फैमिली की मौत के बदला लेना चाहता है और वो एक पुलिस वाले से मदद लेकर भूमि और उसके आदमियों के बीच धर्मयुद्ध छिड़ देता है और वो भूमि के आदमियों को निशाना बनाकर एक एक करके मारने लगता है। वो उन सबको मारकर भूमि से टकराता है और वो उसे भी खत्म कर देता है। रुद्रन उन सब गुंडे को मारकर अपने परिवार का मौत का बदला ले लेता है और अंत में हम देखते हैं कि रुद्रन अपने मॉम के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट चलाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।